राजनीति में आने को लेकर क्या बोली अभिनेत्री कंगना रनौत। राखी सावंत ने भी दिया था बयान। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि उनका अभी चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति में दिलचस्पी एक कलाकार के तौर पर है, वो राजनीति पर फिल्म बनाना चाहती हैं। हाल में कंगना रनौत मथुरा वृंदावन के दौरे पर गई थी, उसके बाद उनके चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें लगाई गई थी। इस बारे में मथुरा की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी बयान दिया था। हेमा मालिनी ने कहा था, आपको फिल्म स्टार ही चाहिए, कल को राखी सावंत भी MLA बनना चाहेंगी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक पत्रकारों ने कंगना रनौत से उनके राजनीति में आने की संभावना पर सवाल किया। इस पर कंगना ने कहा, जो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं हम उनकी सेवा में तत्पर हैं। जो देश की सेवा कर रहे हैं उनके लिए हर तरह का प्रचार करेंगे। अभी चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, मुझे एक कलाकार की तरह राजनीति में रुचि है, राजनीति पर अच्छी फिल्में बनाएंगे। कंगना रनौत के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी प्रतिक्रिया दी है। अमन भार्गव नाम के शख्स ने लिखा, बिल्कुल सही, स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से पंगा यही ले सकती है। पत्रकार अनिरुद्धा धार ने कंगना के बयान पर तंज कसते हुए लिखा, और प्रोपोगेंडा चलाते रहेंगे। अमन शर्मा नाम के शख्स ने कंगना रनौत के बयान पर ट्वीट किया और लिखा, इनके घर पर सिलेंडर महंगा होने से या बेरोजगारी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका रोजगार जब छिन जाएगा तब इन्हें दुनिया में हो रहे शोषण का पता लगेगा जो मोदी जी और उनकी पार्टी वाले कर रहे हैं। बताते चले कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी ने हाल ही में एक बयान में राखी सावंत का नाम लिया, जिसके बाद राखी ने हेमा मालिनी को जवाब दिया था। राखी ने कहा था, दरअसल ये सीक्रेट था कि इस बार मई 2022 में चुनाव लड़ने वाली हूँ। ये जो मोदी जी और हमारे अमित शाह जी है वो अनाउंस करने वाले थे, पर ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे दिल की ड्रीम गर्ल, मेरी जाने मन हेमा मालिनी जी ने अनाउंस कर दिया है कि इस बार के चुनाव मैं लड़ रही हूँ। राखी ने आगे कहा, दरअसल PM मोदी और अमित शाह को मेरे बारे में बोलना चाहिए था, लेकिन रहने दो, PM मोदी या हेमा मालिनी ये एक ही बात है। अब मैं स्मृति ईरानी का पार्ट 2 बनने जा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि चुनाव लड़ूंगी, कृपया मेरा समर्थन करें और हेमा मालिनी जी मेरे बारे में इतना अच्छा बयान देने के लिए धन्यवाद। हेमा मालिनी के बयान पर कंगना रनौत की इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी हर वायरल न्यूज आप तक पहुँचती रहे।